कुचवाड़ा घूम के आ गए थे। उसी दिन दोपहर को लंच के बाद हम लोग गार्डर वाड़ा घूमने निकले। चल पड़े हम लोग घूमने के लिए। वेदर अच्छा है, गर्म बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, क्लाइमेट अच्छा है। और जल्दी जल्दी घूम के आना भी है, क्योंकि आके वाइट ड्रॉप मेडिटेशन भी करना है हम लोगों को शाम को। गलियों से गुजरते हुए निकले हम लोग मार्केट, मार्केट प्लेस से जा रहे हैं। अभी जा रहे थे हम लोग ओशो के स्कूल में, ओशो जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे वही हाथी गेट जहाँ से ओशो हाथी लेके गुजरे थे, वही हाथी गेट जहाँ पर ओशो हाथी पे सवार होकर स्कूल आए थे। एक बार आ गए ओशो के स्कूल में हम लोग। मैडम जी से मिले, फिर मैडम जी ने हम लोगों को ओशो का स्कूल दिखाया। मम्मी, मैं और भाई तीनों देख रहे थे ओशो के बचपन के स्कूल को। मैडम जी ने कुछ चीज़ें बताई कैसे स्कूल को रेनोवेट करना चाहते हैं, और जो अभी वाला स्कूल है उसको बगल में शिफ्ट करना है, और इस स्कूल को हम लोग के जैसे विजिटर्स के लिए रखना है ताकि वो लोग आके देख पाए ओशो के स्कूल को, अनुभव कर पाए ओशो की ऊर्जा को। बच्चों के साथ थोड़ा फोटो सेशन किए, बातचीत भी हुई। ये भैया बाहर से आए, आपकी फोटो लेने कलकत्ता से आए। इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं। कौन से क्लास में है? टीचर सभी मीटिंग में गए, एग्जाम है तो कमेंट कर दिए। अच्छा अच्छा, नई बिल्डिंग है जहाँ पर अब बच्चों को शिफ्ट कर दिए। अच्छा, नई वाली। हाँ, और यहाँ पे मिड जो मिलता है ना भोजन, उसका पूरा मिड डे मील का पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो यहाँ पे मिड डे मील बनता है। अच्छा। और यही है अभी इसका, बस अभी चल रहा है, इसको फिर से वापस से रिन्यू करके। और अच्छा, कुछ गार्डन वगैरह बनाने का भी है, और कुछ भी देखते हैं, और जो भी अच्छा होगा बच्चों के चाहते थे, प्यार करते थे, तो उनने एक बार बोला कि मुझे हाथी से जाना है, तो राजा ने फिर उनके लिए हाथी से यहाँ स्कूल भेजा हुआ था। वो कई बार स्कूल भी है ना हाथी पे सवार होके आए थे, हाथी पे बैठ के, तो इसलिए इस गेट का नाम हाथी गेट रखा। बाद में किसने बनवाया? स्कूल की तरफ से हुआ था? हाँ, ये गवर्नमेंट का ही है, उसमें पूरा ईयर वगैरह लिखा हुआ है कि कब निर्माण हुआ है, ये सारी जानकारी। और ये जो विद्यालय, ये 100 साल से पुराना है। 100 साल से पुराना? हाँ जी, वो आप गेट पे देखेंगे 1863 का है, तो ये 100 साल से पुराना है। इस इमारत को गवर्नमेंट को तो और अच्छे से गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए इसके लिए। पर हमारे के नगर के लोगों को ओशो से प्रेम है, तो इसलिए उनने इसको रिन्यू करके और इसके लिए कुछ करने का सोचा है। देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं। और अभी 21 को संबोधि दिवस है, तो उस पर हम लोगों ने सोचा है यहाँ से लेके आदर्श स्कूल, प्राथमिक स्कूल से उनका जो हाई स्कूल रहा है वहाँ तक एक यात्रा निकालने का। और थोड़ा सा, हाँ, नगर के सभी जो ओशो सन्यासी नहीं बोलेंगे, ओशो मित्र हैं, जो जो ओशो को पढ़ते हैं पर सन्यास नहीं लिया, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। सबको अलविदा कहते हुए हम लोग स्कूल से निकले, बच्चे भी आए हम लोगों को अलविदा कहने के लिए। नमस्ते 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 सर। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। ये आज हम लोग पहुँचे अभी ओशो के पापा के शॉप पर, जो वो सब चलाते थे उस जमाने पे। उसके बाद पहुँचे ओशो के पापा के शॉप पर, जहाँ पे जिस शॉप में वो एक प्रसिद्ध घटना यही शॉप में घटी थी, जहाँ पे ओशो लंबी बाल रखा करते थे। अगर आप लोगों को पता है ओशो के बारे में, तो उनके पिताजी ने कहा था कि बाल कटवा दो, ओशो नहीं मान रहे थे, तो उनको थोड़ा फोर्सफुली कहा गया, तो ओशो गुस्से से मुंडन करके आ गए। फिर गाँव वाले पूछने लगे कि उनको लगा एक्चुअली कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, उससे ओशो के पिताजी को और मुश्किलें खड़ी हो गई। तो ये जो हिलेरियस फनी इंसिडेंट, ये स्वामी जी हम लोग मुंडन कर लिए थे। पता नहीं मम्मी कहाँ देख रही थी, फिर कहाँ देख रही है, चलो इस बार देखा उन्होंने। यहाँ पे ओशो ध्यान करवाते थे? ओशो नहीं, उनके पिताजी। ओ, उनके पिताजी। ये बोर्ड तब से है, उस जमाने का ये बोर्ड। ओ, अरे ये कैसे ठंडा हवा आया ना गेट खुलते ही। चलो एक बाबन माँ के घर में। हाँ,
उसके बाद हम लोग यात्री निवास गए। ओशो के पिताजी यहाँ पे रहते थे, ओशो यहाँ पे रहते थे। ओशो के कमरे को हम लोगों ने देखा और अंदर एक ठंडक महसूस हुई। गेट खुलते ही ठंडा हवा पता नहीं तभी कुछ साइंटिफिकली बनाते होंगे चीज़ों को, उस समय के मकानों को। तो मंत्रमुग्ध होकर मैं उनके घर को देखने लगा था। मौसम बिल्कुल बदल गया है, बारिश हो गई, वेदर चेंज हो गया। गुड़ लिया है? हाँ हाँ, है गुड़ ला रहा है। यहाँ से हमने गुड़ खरीदे है विदाउट मिक्सचर, मतलब ना ओरिजिनल गुड़ जो कलकत्ता में नहीं मिलता है, मिक्सचर होता है बंगला में बोलते हैं भैजाल भैजाल, यहाँ पे वो नहीं लगा, पूरा टेस्टी था तो पैक करवा लिए। ये गुड़ का पैकेट 2 किलो का गुड़ है, 2 किलो मैं भी बोला था कि ये ओरिजिनल लगा, मुझे भैजाल नहीं है इसमें, मिलावट नहीं है मतलब। गाडरवाड़ा रुकने के बाद अगले दिन हम लोग निकले जबलपुर मेडिटेशन कैंप के लिए, जहाँ पे संबोधि दिवस सेलिब्रेट करने हम लोग जा रहे थे। हम लोग का ट्रेन था गाडरवाड़ा स्टेशन से, नेक्स्ट ब्लॉग में वहीं से मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा। तो कुछ सन्यासी मित्र हम लोगों के वहाँ पर बन गए थे, जिनके साथ एक दो फोटो हम लोगों ने खिंचवाया। स्वामी जी, स्वामी ध्यान आकाश, जो ओशो लीला आश्रम में ही रहते हैं, उनसे मिलने का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। कुछ यादों के साथ हम लोग उन्हें अलविदा बोलते हुए निकल पड़े जबलपुर के लिए, जा रहे थे ओशो अमृत धाम।